अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा इसके अंदर हम देखेंगे टाइपिंग मास्टर को यूज़ कैसे किया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे एमएस वर्ड को, ठीक है। उसके हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कौन सा हमारे पास टॉपिक है, उसको हम परफॉर्म करके प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपने एमएस वर्ड को। ये हमारे पास वर्ड ओपन हो चुका है, एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। हमने यहाँ तक कल कर लिया था फॉन्ट वाले पोर्शन तक, तो आज हम पैराग्राफ वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आपको मैं कुछ शॉर्टकट कीज बताऊंगा जो कल मैंने आपको नहीं बताई थी सुपर स्क्रिप्ट की, ठीक है। वो हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबस्क्रिप्ट की है, तो वो है कंट्रोल प्लस इज इक्वल। ये आपको मैंने कल सिखाया था सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इसके बारे में आपको मैंने कल बता दिया था, तो इसकी आज शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हमने कोई टेक्स्ट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये डिक्रीज या इंक्रीज वाला जो बटन हमारे पास होता है, ये हमारे पास इंक्रीज वाला फॉर इंक्रीजिंग फॉन्ट, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ये डिक्रीज वाला बटन डिक्रीजिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है पैराग्राफ वाले टैब के अंदर सबसे पहले बुलेट्स। तो बुलेट्स हमारी ये गन वाली नहीं है, ये यहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर ये इस तरह के कुछ निशान जो सिंबल्स हम लगाना चाहते हैं तो ये उसके लिए यूज़ होती हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह के हम उसको सिंबल्स वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नंबरिंग, तो नंबरिंग यहाँ पे अगर हम इसकी नंबरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आके हम अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल एबीसी में या रोमन में या जो भी हमारे पास सिंपल है, हम यहाँ से आके इसको सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट, ये हमारी लिस्ट जो बनी होती है चैप्टर वाइज, ये दोनों बेसिकली बुलेट्स और ये नंबरिंग का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बुलेट्स हैं, यहाँ पर ये नंबरिंग दी हुई है, ये सारा कुछ वही है जो हमने बुलेट्स और नंबरिंग के अंदर देखा है। तो यहाँ पर हम आके इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, तो ये इंडेंट बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं, ये इंक्रीज वाला है और ये है डिक्रीज वाला। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये साइड पे आकर यहाँ पे अगर हम कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसको यूज़ करके टेक्स्ट को हम आगे कर देते हैं और यहाँ पर हम इसकी पिक्चर लगा लेते हैं। उसके बाद अगर इसको हम यहाँ पर सेंटर में रखना चाहते हैं, यहाँ पर भी रखना चाहते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है सॉर्ट, तो ये तरतीब है हमारी असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है ना वो हम कर सकते हैं। इसको अगर फॉर एग्जांपल हमारा टेक्स्ट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 में और उसको हम करना चाहते हैं 4, 3, 2, 1 में, तो हम डिसेंडिंग कर देंगे यहाँ से नंबरिंग, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास है ये जो बना हुआ है, यहाँ पर हमने कोई भी सिंबल फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एंटर प्रेस किया है, कहाँ कहाँ स्पेस प्रेस किया वो हम चेक करना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सारे टेक्स्ट को, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डॉट्स और ये यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये जो तीर सा बना हुआ है ये स्पेस के लिए यूज़ होता है और ये जो आइकन बना हुआ है यहाँ पे ये एंटर प्रेस हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम अनसेलेक्ट करेंगे तो ये सारे गैप हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हमारे पास चार तरह की होती है, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। उसके बाद सेंटर में टेक्स्ट को हम सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर वाले यूज़ करेंगे। उसके बाद राइट साइड पे करना चाहते हैं तो राइट कर देंगे, अगर जस्टिफाई करेंगे तो ये खुद ब खुद जस्टिफाई हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की जो है हमारे पास
कंट्रोल प्लस एल जो है हमारे पास वो यूज़ होगी लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, फॉर लेफ्ट। उसके बाद कंट्रोल प्लस आर जो है वो राइट के लिए होगी। उसके बाद कंट्रोल प्लस ई यूज़ करेंगे तो वो होगी फॉर सेंटर। कंट्रोल प्लस जे यूज़ करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग ये हमें जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हो इसके अंदर जो स्पेस नज़र आ रही है इसको हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो इसको हम स्पेसिंग को जो है ना ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और इसको बिल्कुल लाइन स्पेसिंग को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिमूव स्पेसिंग करेंगे तो ये टेक्स्ट बिल्कुल क्लोज क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये शेडिंग। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे कोई भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह यहाँ पे शेडिंग शो हो जाएगी। जो भी आप कलर यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आके लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बॉर्डर। तो बॉर्डर हम किसी टेक्स्ट के गिर्द भी लगा सकते हैं, उसके बाद हम पेज के ऊपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम अगर टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं बॉर्डर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं टॉप बॉर्डर, तो यहाँ पे ऊपर ये बॉर्डर लग गया, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारे रजिस्टर के ऊपर हाशिए लगे होते हैं ये उसी तरह ही हैं। तो यहाँ पे ये नो बॉर्डर करेंगे तो ये बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। बॉटम पे करेंगे तो ये नीचे बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद आल बॉर्डर करेंगे तो ये आल आ जाएगा, ठीक है। इसको हम अगर सारे को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं, टेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ये लेफ्ट साइड पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, राइट साइड पे नो बॉर्डर ख़त्म करना चाहते हैं, आउटसाइड बॉर्डर करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे बॉर्डर यूज़ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कुछ स्टाइल दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट बनाया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो हमारे पास टेक्स्ट बने होते हैं उसका स्टाइल बना होता है, तो यहाँ पे इसको हम यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम इसको बोल्ड करें, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके सारे फॉन्ट साइज चेंज करें, नंबरिंग लगाएं, बुलेट्स लगाएं। यहाँ पे पहले से स्टाइल कुछ बने हुए हैं तो यहाँ पे इसको हम यूज़ कर लेते हैं तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एमएस वर्ड का आज का इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम देखते हैं टाइपिंग मास्टर को यूज़ करना। तो टाइपिंग मास्टर जो है हमारा जो है टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। इसको आपको मैंने इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना सिखा दिया था, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे नेम पूछेगा, यहाँ पे अपना नेम लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो पहला लेसन हमारे पास होगा होम रोज की का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपने बैठना किस तरीके से और कीबोर्ड के ऊपर आपने हैंड्स किस तरह रखने हैं। तो आपको इस पोजीशन में जो नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और रिलैक्स होकर बैठना है, और आपकी नज़र स्क्रीन की तरफ हो, कीबोर्ड की तरफ आपको बिल्कुल नहीं देखना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पहला लेसन, उसके अंदर हम क्या चीज़ सीखेंगे, होम रोज कीज़ क्या होती हैं। होम रोज कीज़ जो हमारे पास ए एस डी एफ जे के एल और ये जो कॉलन बनाई है हमारे पास होम रोज की हैं, और इनकी ये फिंगर्स हमारे पास छोटी फिंगर ए के लिए यूज़ होती है, उसके साथ वाली एस के लिए, डी के लिए और एफ के लिए, साथ उसके ऊपर कलर बना हुआ है, ठीक है। तो ये थम्स जो है हमारे वो स्पेस के लिए यूज़ होते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, स्क्रीन की तरफ देखेंगे उस तरह बैठ के हम, और यहाँ पे जो भी हम ये आप प्रेस करते जाएंगे कीज़ को स्क्रीन की तरफ देख के, यहाँ पे हम इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये हमारी टाइपिंग होती जाएगी। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट शो हो जाएगा कि टाइपिंग स्पीड हमारी कितनी है, ठीक है। और तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब फर्स्ट लेसन के ऊपर हम 3 से 4 दिन लगाएंगे, उसके बाद हम सेकंड लेसन का देखेंगे कि उसके अंदर हमने कीज कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेसन है, सेकंड है 1.1, 1.2, तो ये
सात लेसन बनते हैं तकरीबन, ये 3 से 5 मिनट की होती है टाइपिंग। तो यहाँ पे आपको इसकी टाइपिंग करनी होगी, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी 3 से 4 दिन। इस फर्स्ट लेसन की आपकी डेली प्रैक्टिस करनी है आपने 3 से 4 दिन, कम से कम 1 आवर, और आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपकी स्पीड अच्छी बनेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो वो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।